हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए, किचन से संबंधित वीडियोस आपको रेगुलर मिलते रहें। तो सबसे ऊपर जो कोर्ट है वो कौन सा है? सुप्रीम कोर्ट, उसके बाद हाई कोर्ट और लास्ट में डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट। तो इंडिया में सिर्फ तीन टाइप के ही कोर्ट हैं, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट। और मैंने क्या कहा कि इंडिपेंडेंट और इंटीग्रेटेड है। तो इंडिपेंडेंट क्यों है? क्योंकि अपने अपने जूरिसडिक्शन में तीनों डिसीजन देने के लिए स्वतंत्र हैं, उनका किसी के ऊपर इंटरफेयर नहीं है, ठीक है। और अगर कोई पर्सन इससे खुश नहीं है तो यहां जा सकता है, यहां से नहीं है तो यहां जा सकता है। तो इस रिस्पेक्ट में क्या हो गया, ये इंटीग्रेटेड हो गए, ठीक है। फिर मैंने सुप्रीम कोर्ट की बात की, मैंने बताया कि अगर कोई पर्सन 5 साल जज एज ए जज रहा हो हाई कोर्ट में तो वो इसका क्या बन सकता है, जज बन सकता है। और 10 साल तक एडवोकेट रहा हो वो भी क्या बन सकता है, सुप्रीम कोर्ट का जज बन सकता है। और जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की अपॉइंटमेंट कौन करता है? प्रेसिडेंट। ओथ कौन दिलाता है? प्रेसिडेंट दिलाता है, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट के जजेस का जो टेन्योर होता है कितना होता है? अप टू एज ऑफ 65 ईयर्स। टेन्योर का मतलब है कितने साल वो काम करेंगे। तो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है कि वो 5 साल करेंगे, 6 साल करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। अप टू एज ऑफ 65 ईयर्स। और उन्हें उससे पहले हटाया जा सकता है किसके थ्रू? इम्पीचमेंट के थ्रू या रिमूवल, रिमूवल के थ्रू। और एक ट्रेडिशन बन गया है कि इनको हटाने के लिए हम इम्पीचमेंट वर्ड का यूज करते हैं, वो मैंने बताया था। क्या सुप्रीम कोर्ट में रिटायर्ड जज अपॉइंट हो सकते हैं? क्या एडहॉक जज अपॉइंट हो सकते हैं? ठीक है, तो आई थिंक मैंने इतनी ही बात की थी। और उसके बाद मैंने बात की थी पावर्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की, ठीक है। तो जैसे ओरिजिनल जुरिसडिक्शन पावर्स है उसकी एक, मूल क्षेत्राधिकार, इसका मतलब क्या होता है कि ऐसे मैटर जो सीधा सुप्रीम कोर्ट में जाए उसको हम बोलते हैं ओरिजिनल जुरिसडिक्शन। कितने टाइप के आते हैं? मतलब जो सेंटर वर्सेस स्टेट का मैटर हो, जैसे आपने देखा कि अभी CAA है और है ना, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है, तो केरला स्टेट ने इसी ओरिजिनल जुरिसडिक्शन के तहत क्या किया, अगेंस्ट गया इसके, ठीक है, समझ आ गया। तो सेंटर वर्सेस स्टेट वाले मैटर, उसके बाद सेंटर प्लस स्टेट वर्सेस अदर स्टेट्स, ठीक है, उसके बाद क्या, स्टेट वर्सेस स्टेट्स, तो ये सारे उसमें जाएंगे। उसके बाद मैंने रिट की बात की कि अगर फंडामेंटल राइट का वॉल्यूशन हो तो रिट इशू करेगा। इसको हिंदी में कहते हैं मूल क्षेत्राधिकार, उसके बाद रिट जुरिसडिक्शन, रिट क्षेत्राधिकार, उसके बाद अपीलीय क्षेत्राधिकार, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, अभिलेख न्यायालय, उसके बाद जुडिशियल रिव्यू। ये सुप्रीम कोर्ट की पावर्स या जुरिसडिक्शन थी। ठीक है, तो मैंने आपको ये करा दिया और ये करा दिया, इतना ही है। अब मेरे को कौन सा कराना है? अपीलेट, सर्वोच्च न्यायालय का अपीलीय क्षेत्राधिकार। तो इसको समझते हैं कि इसका साधारण सा मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट से नीचे वाला जो कोर्ट है उसके डिसीजन के अगेंस्ट कहां अपील की जाएगी? सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है। कि अगर कोई हाई कोर्ट के डिसीजन से क्या नहीं है, खुश नहीं है, तो वो कहां कर सकता है? सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है। अब वो कौन कौन से केसेस हैं जिसके खिलाफ, मतलब सुप्रीम कोर्ट हम जा सकते हैं,
ठीक है। तो पहली बात, एक वर्ड आता है सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ, हिंदी में कहते हैं इसको विधि का सारवान प्रश्न। कौन सा वर्ड है ये? विधि का सारवान प्रश्न, सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ। अब समझना आप लोग ध्यान से कि इस केस में कहां अपील की जा सकती है? सुप्रीम कोर्ट में। आप में से किसी को पता है कि सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ क्या होता है? नहीं पता, ठीक है। मैं सारे केसेस इसी के थ्रू डिस्कस कर दूंगा, इसमें हाई कोर्ट वाला मैटर भी आ जाएगा, ठीक है। जैसे कि मान लो कोई कानून है, क्या है, कोई कानून है और उसको लेकर क्लैरिटी नहीं है। क्या नहीं है? क्लैरिटी नहीं है, समझ रहे हो? क्लैरिटी नहीं है, इसका पता कैसे चलेगा? किसका पता ऐसे चलेगा कि मान लो चार हाई कोर्ट हैं, कितने हाई कोर्ट हैं? चार हाई कोर्ट हैं और चारों के चारों हाई कोर्ट ने सेम मैटर था उस पर अलग अलग डिसीजन दिया है। क्या दिया है? अलग अलग डिसीजन दिया है। तो उस केस में कहां अपील की जाएगी? सुप्रीम कोर्ट में, समझ गए? क्योंकि क्लैरिटी है क्या यहां पर? नहीं है, कि क्लैरिटी ही नहीं है कि चार हाई कोर्ट हैं, चारों ने सेम मैटर पर अलग अलग डिसीजन दे दिए, तो इसका मतलब है कुछ तो गड़बड़ है, समझ गए? क्लियर है? आपने देखा होगा कि सुप्रीम कोर्ट जो है ऐसे कई सारे मैटर्स को देखता है, कई सारे मैटर्स को देखता है कि जिसमें अलग अलग हाई कोर्ट ने अलग अलग केस किया हो, क्लियर है? उसके बाद आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट जो है लास्ट एपेलेट कोर्ट है, सबसे क्या है, अंतिम अपीलीय न्यायालय है, कि अगर हमें लास्ट में कहीं पर भी अपील करना है तो हम कहां करेंगे? सुप्रीम कोर्ट में करेंगे, ठीक है, कि सबसे लास्ट में वही है कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के खिलाफ हम कहां जाएंगे? हाई कोर्ट जाएंगे। हाई कोर्ट के खिलाफ कहां जाएंगे? और सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ हम नहीं जा सकते, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ हम नहीं जा सकते क्योंकि क्या है, ये सुपीरियर कोर्ट है इंडिया का। क्या है? तो लिखो फर्स्ट पॉइंट, एपेलेट ज्यूरिसडिक्शन में मैटर्स रिलेटेड टू सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ, यदि कोई मामला विधि के सारवान प्रश्न से संबंधित हो, यदि कोई मामला विधि के सारवान प्रश्न से संबंधित हो। सेकंड पॉइंट, सुप्रीम कोर्ट इज लास्ट एपेलेट कोर्ट, लास्ट एपेलेट कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय अंतिम अपीलीय न्यायालय है। यह क्वेश्चन कई बार आया है आपके एग्जाम में कि कौन जो है अंतिम अपीलीय न्यायालय है, ठीक है, तो इस बात का आप लोग ध्यान रखना, क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग होगा कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, ये वाला अभिलेख न्यायालय, कौन से आर्टिकल में है ये? 129 में है। आपको आर्टिकल पता है क्या होते हैं? आर्टिकल का मतलब होगा कॉन्स्टिट्यूशन के चैप्टर्स, ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से चैप्टर में है ये? कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड 129 में है, ठीक है। देखो अब क्या है कि ये पावर जो है हाई कोर्ट के पास भी है, किसके पास है? हाई कोर्ट के पास भी है, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड वाला। इसमें क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट जितने भी अपने डिसीजन देता है, जितने भी कुछ मतलब टिप्पणी करता है, टिप्पणी समझ दे, डायरेक्शन देता है, इन सब का एक रिकॉर्ड रखा जाता है। रिकॉर्ड क्यों रखा जाता है? ताकि इससे नीचे के जितने भी कोर्ट हैं वो इसके डिसीजन से क्या करें पाए, सीख पाए, उनके सामने एग्जाम्पल्स रहें कि अगर वो कोई भी डिसीजन दे रहे हैं तो सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन है उसको एक एग्जाम्पल के तौर पर पेश करें, ठीक है। तो इसमें मैं कुछ होगा नहीं, लिखवाऊंगा कुछ नहीं, जो समझने वाला है कि कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का मतलब क्या है,
कि अपने सारे डायरेक्शंस, अपने सारे डिसीजंस उसको क्या करता है, वो सेव करके रखता है, ताकि उससे नीचे वाले जो भी कोर्ट हैं वो उसे एग्जाम्पल ले पाए। ठीक है, समझ आ गया ये। उसके बाद नेक्स्ट होगा आपका जुडिशियल रिव्यू। ये आर्टिकल जरूर ध्यान रखना, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का 129 है, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है ये, किसका आर्टिकल क्या होता है। नेक्स्ट है जुडिशियल रिव्यू, यहां पर दो क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं, उसके बिहाव पे आपको समझना है। वैसे एक ही क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू। न्यायिक पुनराविलोकन, ठीक है लिख देता हूं, न्यायिक पुनराविलोकन के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। टू रिव्यू सुप्रीम कोर्ट डिसीजन सेकेंड, मतलब ये फर्स्ट माना मैंने, ये सेकेंड माना, टू चेक द वैलिडिटी ऑफ अ लॉ, सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय की समीक्षा या कानून की वैधता की जांच करना। ठीक है, और आपके ऑप्शंस हैं ओनली फर्स्ट बी ऑप्शन, ओनली सेकंड सी ऑप्शन, फर्स्ट एंड सेकंड डी ऑप्शन, नन ऑफ द अबव। तो क्या लग रहा है आपको, कौन सा करेक्ट होगा? मैंने अभी बताया भी नहीं है आपको कि जुडिशियल रिव्यू होता क्या है, आपको क्या लग रहा है स्टेटमेंट को देख के? दोनों है, पक्का दोनों ही है? इसका आंसर क्या है? दोनों है। अब आपको एक क्वेश्चन तो ये हो गया, इसका आंसर क्या होगा? बोथ होगा। अभी मैं डिफाइन नहीं कर रहा आपको जुडिशियल रिव्यू, ठीक है। उसके बाद अब मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया, अब ये स्टेटमेंट नहीं था, अब ये मान लो ऑप्शन है और वो कह रहा है कि व्हाट इज जुडिशियल रिव्यू, क्वेश्चन ये बन गया, और आपके ऑप्शन हुए ए बी सी डी, चार ऑप्शन हुए, और आपसे कहे वो कि अब एक ऑप्शन आपको करेक्ट करना है, तो कौन सा होगा? सेकंड वाला होगा। क्या होगा? सेकंड वाला होगा, ठीक है, कि किसी भी कानून की वैलिडिटी को चेक करना। अब मैं आपको बता रहा हूं, ये बात समझ आई? पक्का सबको? ठीक है, तो अब मैंने कहा कि अगर चार ऑप्शन हो तो ये वाला करेक्ट होगा, ऐसा क्यों? जुडिशियल रिव्यू को किसी भी आर्टिकल में डिफाइन नहीं किया गया है। क्या कह रहा हूं मैं? जुडिशियल रिव्यू को किसी भी आर्टिकल में डिफाइन नहीं किया गया है, ठीक है। इसमें सुप्रीम कोर्ट कहता है कि मैं ये बार बार डिफाइन किया जाएगा, किसी भी निर्णय पर वो डिफाइन कर देता है इसको, ठीक है। तो एक तरीके से ये जो द टू चेक द वैलिडिटी ऑफ लॉ, किसी कानून की वैधता की जांच करना, मतलब कि वो कानून कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग है या नहीं है, वही क्या कहलाता है? जुडिशियल रिव्यू कहलाता है। तो अब अगर कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग चेक कर रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट ने कोई डिसीजन दिया था, तो सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को भी रिव्यू किया जा सकता है ना, करेगा कौन? सुप्रीम कोर्ट ही करेगी, तो वो भी क्या कहलाएगा? जुडिशियल रिव्यू कहलाएगा। वो भी क्या कहलाएगा? तो अगर मैं ये देखूं कि इसके अंदर ये ऑलरेडी इंक्लूड हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा? ये जो है रिव्यू वाला, ये इसके अंदर इंक्लूड हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि अगर मैं किसी भी कानून को चेक कर रहा हूं
तो इसका मतलब सिंपल सा है कि सुप्रीम कोर्ट ने कोई डिसीजन दिया था वो भी शामिल है उसमें, ठीक है। अब एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल क्या है, एक एलजीबीटी कानून था, कौन सा था, लेस्बियन, गे, बायसेक्सुअल और ट्रांसजेंडर, और इसके लिए सेक्शन था 377। इसके लिए सेक्शन क्या था, 377। तो 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा, क्या कहा, कि ये सेक्शन वैलिड है, ये सेक्शन क्या है, वैलिड है। इसमें था क्या कि अगर ऐसे लोग अब कोई रिलेशन बनाते हैं तो क्राइम माना था सुप्रीम कोर्ट ने, क्या माना था, और उन्हें 10 साल तक की सजा हो सकती थी, ठीक है। पर उसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में जब डिसीजन दिया तो इसको कहा कि ये वैलिड नहीं है, ये वैलिड नहीं है, इसको खत्म कर दिया गया, मतलब इसको वैलिडिटी दे दी गई कि अब लेस्बियन, गे, बायसेक्सुअल जो लोग हैं रिलेशन बना सकते हैं, वो क्राइम नहीं होगा। तो क्या उसने अपने डिसीजन को चेंज किया या नहीं किया, उसके बाद और बताता हूं आपको कि एक क्या था, गोलकनाथ केस था, क्या था, 1967 में, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, क्या कहा था, कि फंडामेंटल राइट में चेंजेस नहीं किया जा सकते, क्या नहीं किया जा सकता, फंडामेंटल राइट में चेंजेस नहीं किया जा सकता। पर उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन में एक अमेंडमेंट हुआ और एक आया कौन सा, केशवानंद भारती केस 1973 में, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो पार्लियामेंट है क्या कर सकती है, वो कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी पार्ट में चेंज कर सकती है इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट, पर वो बेसिक स्ट्रक्चर को हार्म नहीं कर सकती। तो सुप्रीम कोर्ट क्या कर रही है, कई सारे केसेस में अपने डिसीजन को क्या कर रही है, चेंज कर रही है, ठीक है। तो जुडिशियल रिव्यू का मतलब समझ रहे हो कि वो किसी भी कानून की वैलिडिटी को क्या कर रही है, चेक कर रही है। मैं पहले ही बता दूं डिफाइन नहीं किया गया इसे, पर मैं ये कह सकता हूं कि जुडिशियल रिव्यू क्या होता है, टू चेक द वैलिडिटी ऑफ अ लॉ होता है। और जुडिशियल रिव्यू के बारे में हमें जानकारी कई सारे आर्टिकल्स में मिल जाती है, आर्टिकल 13, 32, 137, और अगर हाई कोर्ट की बात करोगे तो 226 में भी आ जाएगा ये। तो कई सारे आर्टिकल्स में हमें जुडिशियल रिव्यू के बारे में पता चलता है। हाई कोर्ट, हिंदी में बोलते हैं इसको उच्च न्यायालय, ठीक है। अब ये हाई कोर्ट क्या है कि एक स्टेट का जो सबसे बड़ा कोर्ट होता है, क्या होता है, एक स्टेट में जो सबसे बड़ा कोर्ट होता है उसे क्या बोलते हैं, हाई कोर्ट बोलते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, हाई कोर्ट। तो कॉन्स्टिट्यूशन में ये कहा गया है कि देयर शैल बी अ हाई कोर्ट ऑफ ईच स्टेट, क्या कहा गया है, अभी इंट्रोडक्शन दे रहा हूं आपको हाई कोर्ट का, कि कॉन्स्टिट्यूशन में ये कहा गया है कि प्रत्येक राज्य का एक उच्च न्यायालय होगा, पर हम देखते हैं कि दो स्टेट या दो यूनियन टेरिटरी का एक हाई कोर्ट भी हो सकता है। हाँ, अभी बताता हूं मैं कैसा क्या है। मैंने क्या बताया कि कॉन्स्टिट्यूशन में ये कहा गया है कि प्रत्येक राज्य का एक हाई कोर्ट होगा, पर क्या है, दो या दो से ज्यादा हाई मतलब स्टेट या यूटी का एक हाई कोर्ट हो सकता है, ठीक है। अब क्या है कि जितने भी स्टेट्स हैं उनमें हाई कोर्ट हो सकता है, पर यूनियन टेरिटरीज में हाई कोर्ट नहीं होते, समझ रहे हो आप लोग, क्या नहीं होता, यूनियन टेरिटरीज में हाई कोर्ट नहीं होते, क्योंकि यूटी में कंट्रोल किसका होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का, ठीक है। पर इसका एक्सेप्शन है दिल्ली, दिल्ली का अपना क्या है, एक हाई कोर्ट है। तो एक स्टेट में जो सबसे बड़ा कोर्ट होता है उसे क्या कहते हैं, हाई कोर्ट। सारे स्टेट में हाई कोर्ट है, नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, आर्टिकल 214 ये कहता है कि देयर शैल बी अ हाई कोर्ट ऑफ ईच स्टेट, ठीक है। अब समझो, लिख लो ये पहले पार्ट, फर्स्ट पॉइंट लिखो,
इन आर्टिकल 214 देयर शैल बी अ हाई कोर्ट ऑफ ईच स्टेट, प्रत्येक राज्य का एक उच्च न्यायालय होगा. सेकेंड पॉइंट, देयर शैल बी अ हाई कोर्ट ऑफ ईच स्टेट, प्रत्येक राज्य का एक उच्च न्यायालय होगा. बट सेकेंड पॉइंट में लिखना आप लोग, सेकेंड पॉइंट से है, बट टू और मोर स्टेट ऑफ और यूटी कैन हैव वन, कैन हैव वन हाई कोर्ट, परंतु दो या दो से अधिक राज्य या केंद्र शासित प्रदेश, परंतु दो या दो से अधिक राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का एक उच्च न्यायालय हो सकता है. ठीक है, कितने उच्च न्यायालय हो सकते हैं? एक. नेक्स्ट पॉइंट, आप लोगों से में से मुझे कौन बताएगा कि सुप्रीम कोर्ट में जज कितने होंगे, कौन डिसाइड करता है? पार्लियामेंट. हाई कोर्ट में नंबर ऑफ जजेस कौन डिसाइड करेगा? तो ध्यान रखना कि पार्लियामेंट डिसाइड नहीं करेगा, प्रेसिडेंट डिसाइड करेगा. तो लिखो नंबर ऑफ जजेस, नंबर ऑफ जजेस इन हाई कोर्ट इज डिटरमाइंड बाय प्रेसिडेंट, उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या का निर्धारण, उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या का निर्धारण राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है. तो स्टेट का सबसे बड़ा कोर्ट जो होता है कौन सा होता है? क्या एक स्टेट का एक हाई कोर्ट होगा या दो होंगे? एक होगा. दो स्टेट का एक हो सकता है? Yes, कौन डिसाइड करेगा नंबर ऑफ जजेस? एट प्रेजेंट कितने हाई कोर्ट हैं? अभी 25, पर अभी इसकी मैं बात नहीं करूंगा. ठीक है, समझते हैं. देखो क्या था 1862 में, कब? कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास. इंडिया में फर्स्ट टाइम जो हाई कोर्ट एस्टैब्लिश हुए वो ये तीन थे, कलकत्ता हाई कोर्ट, बॉम्बे हाई कोर्ट और मद्रास हाई कोर्ट. ये तीन फर्स्ट टाइम कोर्ट एस्टैब्लिश हुए थे. कब हुए थे? 1862 में. ठीक है, और अगर आपके एग्जाम में पूछे, मान लो ये सिंगल सिंगल आ गए, मान लो एक ऑप्शन में तीनों हो तो यही करेक्ट होगा, पर अगर मान लो चार ऑप्शन बन गए उसमें से तीन ये हो और एक दूसरा हो, तब आप कौन सा मार्क करोगे? ठीक है, अब इसको याद कैसे रखना है? इंडिया का मैप ऐसे बनता है ना, ऐसे ही बनता है. तो अगर आप उल्टा सेवन बना दो तो यहां पर कौन सा है? वेस्ट बंगाल, मतलब कलकत्ता. यहां पर कौन सा है? बॉम्बे. और यहां पर कौन सा है? मद्रास. ठीक है, चेन्नई नहीं होगा, ये मद्रासी, इनके नाम यही है अब भी. अगर बॉम्बे भी आ जाए ना, सॉरी मुंबई भी आ जाए ना, तब भी मत लगाना, मार्क करना, बॉम्बे ही आएगा वो. हाई कोर्ट के नाम यही है. तो लिखो इन इंडिया फर्स्ट हाई कोर्ट, इन इंडिया फर्स्ट हाई कोर्ट एस्टैब्लिश्ड इन 1862. भारत में पहली बार उच्च न्यायालय की स्थापना 1862 में हुई. और इन तीनों के नाम लिख लो, सीरियल ये रहेगा, कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास. और मैंने इस उल्टे सेवन से एक चीज और समझाया था आपको. क्या समझाया था? समझ लो कि इंडिया में ईयर तो सेम नहीं होगा. ठीक है, जो लोकल गवर्नमेंट थी ना, म्युनिसिपैलिटी, समझते हो आप लोग? म्युनिसिपैलिटी भी सबसे पहले इन्हीं तीन जगह पे एस्टैब्लिश हुई थी, पर उसका हम यहां से जाते हैं, ऐसे चलते हैं हम उसमें. अगर आप ऐसे जाओगे तो हाई कोर्ट हो गया, और अगर आप यहां से जाओगे तो क्या हो गया? म्युनिसिपैलिटी हो गई. तो ये भी दिमाग में रखना कि म्युनिसिपैलिटी भी ऐसे ही समझते हैं हम लोग. ठीक है, क्लियर है इतनी बातें? ठीक है,
अब उसके बाद क्या है कि प्रेजेंट में कितने हाई कोर्ट हैं, लिखो एट प्रेजेंट देयर आर 25 हाई कोर्ट्स, एट प्रेजेंट देयर आर 25 हाई कोर्ट्स इन 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज। वर्तमान में 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में उच्च न्यायालयों की संख्या 25 है। देखो क्या था कि आपको ये मैं बता दूं कि 26 जनवरी के बाद करंट में जो दादर और नगर हवेली और दमन एंड द्वीप दो यूनियन टेरिटरी थी, इनको मर्ज कर दिया गया। तो पहले 9 हो गए थे जब जेएनके के बनने के बाद, अब क्या हो गया, 8 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, यूनियन टेरिटरीज, यूनियन टेरिटरीज डज नॉट हैव हाई कोर्ट, एक्सेप्ट दिल्ली। केंद्र शासित प्रदेशों में उच्च न्यायालय नहीं होते सिवाय दिल्ली के। अब यहां पर स्टार मार्क कर लो आप लोग, नेक्स्ट दिल्ली वाले को स्टार मार्क करना है। अब क्या है कि जनरली किताबों में आपको यही मिलेगा, अब क्या करना है कि जैसे जेएनके है तो वहां पर क्या है, हाई कोर्ट भी है, क्या है, तो वो बात भी आपको क्या रखनी है, ध्यान रखनी है। क्लियर है, वर्तमान में कितने हाई कोर्ट हैं, दिसंबर 2018 में कितने हाई कोर्ट थे, समझना यहां पर ध्यान से, दिसंबर 2018 तक 24 थे। आपको पता है कि तेलंगाना से मतलब तेलंगाना एक अलग स्टेट बना था आंध्र प्रदेश से अलग होकर, तो उन दोनों का पहले कंबाइंड हाई कोर्ट था, फिर जैन में क्या हुआ, जैन 2019 में दोनों के हाई कोर्ट अलग अलग हो गए, तो एक हाई कोर्ट क्या हो गया, बढ़ गया, तो कितने हो गए, 25 हो गए। क्लियर है इतनी बातें। अब मैं उन स्टेट्स और यूटी के नाम बता रहा हूं जिनके क्या है कि एक हाई कोर्ट है, समझ गए। इंडिया में फर्स्ट हाई कोर्ट कब एस्टेब्लिश हुआ, कौन कौन से, ठीक है अब समझते हैं, यहां पर देखो ध्यान से, गुवाहाटी हाई कोर्ट, ये ध्यान रखना इन हाई कोर्ट के यही नाम होंगे। गुवाहाटी में किस किस का लगता है, अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड और मिजोरम। तो कितने स्टेट का ज्यूरिसडिक्शन लग रहा है, इन सब के लिए एक ही हाई कोर्ट है, कौन सा, ठीक है। उसके बाद कलकत्ता, अब इसको समझना आप लोग इस तरीके से, यहां पर वेस्ट बंगाल है, वेस्ट बंगाल के नीचे कौन सा आइलैंड है, अंडमान और निकोबार है, तो इसमें क्या होगा, वेस्ट बंगाल और अंडमान एंड निकोबार, तो इसमें किसका ज्यूरिसडिक्शन लग रहा है, एक स्टेट का और एक यूटी का, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट कौन सा, मद्रास, अब मद्रास कहां पर है, यहां पर है ना, यहां पर, तो मद्रास किस में है, तमिलनाडु में, तो तमिलनाडु और यहां पर यूटी कौन सा है, पोंडुचेरी, तो तमिलनाडु और पुडुचेरी। उसके बाद नेक्स्ट केरला,
देखो यहां पर केरला है ना, और केरला के यहां पे कौन सा आइलैंड है? लक्षद्वीप। तो यहां पर केरल और लक्षद्वीप का जूरिसडिक्शन इसमें लगेगा, ठीक है। उसके बाद पंजाब एंड हरियाणा, इसका नाम ही है, ये क्या है? पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट, ठीक है। तो पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़। उसके बाद बॉम्बे हाई कोर्ट, महाराष्ट्र, गोवा, दादर एंड नगर हवेली, दमन एंड द्वीप। अब ये क्या है? दोनों एक ही यूटी हैं। ये ध्यान रखना कि जो लास्ट वाला है वो क्या है? अब एक ही यूटी है। तो करंट में कितने हाई कोर्ट ऐसे हैं जिसमें दो या दो से ज्यादा स्टेट का जूरिसडिक्शन लगता है? आप मुझे ये बताओ इसके रिस्पेक्ट में। मैंने क्या पूछा क्वेश्चन, ध्यान से समझो। कितने हाई कोर्ट ऐसे हैं जिसमें दो या दो से ज्यादा स्टेट्स का जूरिसडिक्शन लगता है? मैंने यहां पर ये नहीं बोला कि स्टेट और यूटी दोनों का, मैंने सिर्फ बोला स्टेट का। दो से ज्यादा बोले, चार। दो या दो से ज्यादा, तीन, एक, एक ये रहा और एक, कितने? और अगर क्वेश्चन ये आए कि कितने स्टेट और जूरिसडिक्शन, मतलब क्या कहते हैं उसको, कितने दो या दो से ज्यादा स्टेट्स और यूटी का जूरिसडिक्शन किसमें लगता है, तब छह के छह हैं, ठीक है। स्टेट्स भी आ रहे हैं और यूटी भी आ रहे हैं, और सबसे ज्यादा स्टेट्स किसमें आते हैं, किसका जूरिसडिक्शन? गुवाहाटी में चार स्टेट्स आ रहे हैं। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है, ये याद होना चाहिए किसका जूरिसडिक्शन कहां पर लगता है। क्लियर है इतनी बातें, ठीक है। और जो जे एन के हाई कोर्ट है, कौन सा है? तो उसमें लद्दाख का भी लगेगा और, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई? पक्का? ठीक है। तो ये तो जस्ट मैंने इंट्रोडक्शन दे रहा था आपको हाई कोर्ट के बारे में, कि हाई कोर्ट में जजेस को कौन डिटरमाइन करेगा, नंबर ऑफ जजेस को कौन डिसाइड करेगा हाई कोर्ट में? प्रेसिडेंट। यूनियन टेरिटरी में हाई कोर्ट होते हैं, पर इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं, ठीक है। उसके बाद कितने स्टेट्स में हाई कोर्ट है अभी? 25 में, ठीक है। क्लियर है इतनी बातें। उसके बाद अब हेडिंग होगा आपका क्वालिफिकेशन टू बिकम जज ऑफ हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने की अर्हताएं, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने की अर्हताएं। तो पहला तो आपको पता ही है, पहला क्या? सिटीजन ऑफ इंडिया, लिख लो। क्वालिफिकेशन टू बिकम जज ऑफ हाई कोर्ट। तो चाहे कोई सा भी पोस्ट हो, उसमें पहली कंडीशन क्या होती है कि वो सिर्फ इंडियन सिटीजन को मिलती है, ठीक है। किसको मिलती है? इंडियन सिटीजन को। अब सेकंड पॉइंट समझना आप लोग क्या है, यहां पर कितने साल का एक्सपीरियंस? 10 साल का एज ए एडवोकेट, कहां पर? हाई कोर्ट में, ठीक है। इस बात को समझ लो कि यहां पर हाई कोर्ट का मतलब क्या है, एक हाई कोर्ट, दो, कितने भी हो सकते हैं। टोटल उसे एक्सपीरियंस कितना होना चाहिए? 10 साल का। कि अगर 10 साल का एक्सपीरियंस है
मतलब एज ए एडवोकेट तो वो क्या बन सकता है, हाई कोर्ट का जज बन सकता है। और ठीक है, शुड होल्ड एनी लीगल पोस्ट फॉर 10 years इन एनी कोर्ट। ठीक है, कि भारत के किसी भी न्यायालय में अगर उसने 10 साल तक कोई भी लीगल पद रखा हो तो वो भी क्या बन सकता है, बन सकता है जज। तो ये ध्यान रखना, ये और में है, या तो ये हो या तो ये हो, पर जनरली क्या होता है कि ज्यादातर जो है इस वाले को ही बनाया जाता है। ठीक है, ज्यादातर किसको बनाया जाता है, इसको ही बनाया जाता है। ठीक है, तो ये दो पॉइंट लिखोगे आप लोग, लिख लो, ये सेकंड पॉइंट में यही आएगा। और हिंदी में लिखोगे उच्च न्यायालय में 10 वर्ष तक अधिवक्ता रहा हो, हिंदी में ये होगा उच्च न्यायालय में 10 वर्ष तक अधिवक्ता रहा हो, या भारत के किसी भी न्यायालय में 10 वर्ष तक कोई न्यायिक पद धारण किया हो, 10 वर्ष तक कोई न्यायिक पद धारण किया हो। उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग होगा अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस, न्यायाधीशों की नियुक्ति। तो कौन अपॉइंट करेगा, फर्स्ट पॉइंट ये लिखो, जजेस ऑफ हाई कोर्ट आर अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, अब यहां पर भी थोड़ा सा चेंजेस है, यहां पर देखो बोर्ड की तरफ, कि एक क्या होगा चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट होगा, एक तो चीफ होगा ना, एक हाई कोर्ट है तो उसमें एक चीफ होगा, और बाकी क्या होंगे, अदर जजेस होंगे। अदर जजेस ऑफ हाई कोर्ट, तो अब ये जो चीफ अपॉइंट होगा बाय प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, समझ रहे हो आप लोग, कि अपॉइंटमेंट करेगा तो प्रेसिडेंट ही, राष्ट्रपति ही करेगा, पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मतलब सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जस्टिस है उसके एडवाइस पर करेगा। ठीक है, और इस केस में क्या होगा कि जो अदर जजेस होंगे हाई कोर्ट में ही, बाय प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। देखो क्या है कि जब ये चुन लिया जाएगा तो प्रेसिडेंट अदर जजेस की जो अपॉइंटमेंट करेगा वो इसके एडवाइस पर करेगा, और इसको कैसे अपॉइंट करेगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के एडवाइस पर करेगा। क्लियर हो गई ये बात, ठीक है, नोट डाउन कर लो। तो जजेस की अपॉइंटमेंट कैसे होती है हाई कोर्ट में, भी क्लियर हो गया। उसके बाद अगली जो क्लास होगी आपकी, ठीक है, उसमें मैं क्लास शुरू करूंगा एडवोकेट और लॉयर से। ठीक है, किससे शुरू करूंगा, एडवोकेट और लॉयर से, एंड देन उसके बाद इसका टेन्योर क्या होता है वो डिस्कस करूंगा, और उसके बाद हाई कोर्ट की पावर्स डिस्कस करूंगा। ठीक है, बेसिक बातें मैंने आपको बता दी हैं सारी, और रीड आउट करके आना अगले अगली क्लास में, आपसे क्वेश्चंस भी पूछूंगा।